दोस्तों पहले आप ये ट्रेलर देखिए। Ada dalam darah kita, gen kita. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial, Gatot Kaca. ये है हाल ही में रिलीज हुई इंडोनेशियन फिल्म क्षत्रिय देवा घटोत्कचा, हिंदी में क्षत्रिय देव घटोत्कच, जो आज के मॉडर्न टाइम में मौजूद कौरवों और पांडवों के वंशजों पर एक सेंसिबल स्टोरी पर आधारित है, जिसमें इंडोनेशिया में मौजूद कौरवों के वंशज अश्वत्थामा की मणि खोजकर अश्वत्थामा के हजारों सालों से पड़े निर्बल शरीर को दोबारा से शक्ति देने का उद्देश्य रखते हैं, जिससे कौरव अश्वत्थामा की मदद से धरती पर मौजूद पांडवों के वंशजों का विनाश कर सके और महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने पूर्वज कौरवों का बदला ले सके। पर दोस्तों यहाँ पर कौरवों के इस उद्देश्य को नाकाम करने के लिए पांडवों के वंशजों की तरफ से एक लड़का होता है, जिसमें भीम के पुत्र घटोत्कच की शक्तियाँ मौजूद होती हैं। पर इस लड़के को अपनी शक्तियों का पता नहीं होता। तो दोस्तों अपने हिंदू इतिहास पर गर्व करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में बनी इस मास्टरपीस मूवी की स्टोरी और साल 2028 तक के इस मूवी के फ्यूचर प्लान के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे 2028 तक इंडोनेशिया दुनिया में अपने हिंदू सुपर हीरोज की बहुत ही गहरी छाप छोड़ने वाला है, जो कहीं ना कहीं मार्वल के सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी को भी बीट कर देगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षत्रिय देवा घटोत्कच 9 जून 2022 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी, पर हाल ही में 10 नवंबर 2022 को ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है, जिसके कारण इस फिल्म को दुनिया भर में देखा गया है। पर यहाँ पर हमारे लिए एक छोटी सी बुरी खबर ये भी है कि अभी तक इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है, पर हम एक छोटी सी उम्मीद ये भी लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इस फिल्म के 7 पार्ट्स आने वाले हैं, जिनको शायद हिंदी के साथ साथ दूसरी इंडियन लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। क्षत्रिय देवा घटोत्कच के बाद आने वाली इन मास्टरपीसेस के नाम है अर्जुन 2023 में, इसके बाद सिकंडी 2024 में, जिसने भीष्म पिता महा को मारने के लिए अर्जुन की मदद की थी, इसके बाद 2025 में आएगी कुरुक्षेत्रा, 2026 में युधिष्ठिरा, 2027 में भीमा, इसके बाद 2028 में भारत युद्धा और फाइनली 2028 में आएगी भारत युद्धा 2। दोस्तों ये सारी फिल्म्स मॉडर्न टाइम में इंडिया और इंडोनेशिया में मौजूद कौरवों और पांडवों के वंशजों पर आधारित होगी, जिनमें अपने पूर्वजों की सुपर पावर्स मौजूद हैं, जिनमें CGI का बहुत ही क्रिएटिवली यूज किया जाएगा और इन सभी हिंदू महायोद्धाओं को हिंदू सुपर हीरोज की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसके कारण दुनिया भर के बच्चे बच्चे को ऐसी हिंदू सुपर हीरोज मूवी देखने में इंटरेस्ट आएगा और हिंदुओं के इतिहास की महान लड़ाई महाभारत के बारे में पता चलेगा। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि क्या भारत बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला थर्ड ODI जीतेगा। पिछले 2 मैचेस का तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, पर मुझे लग रहा है कि इस बार थर्ड ODI तो जीत ही लेगी। अगर आपके पास ऐसे ओपिनियन है तो प्रोबो पर दीजिए और पैसे कमाइए। प्रोबो है भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग, जिसमें सिर्फ यस और नो में जवाब देकर पैसे कमा सकते हो। पहले के भारत बांग्लादेश ODI मैच में प्रोबो पर एक सवाल था कि क्या भारत बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला सेकंड ODI जीतेगा। मेरा ओपिनियन नो था, उस पर मैंने जैसे इन्वेस्ट किए और मुझे प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचोगे कि मैंने इतना प्रॉफिट कैसे कमाया। प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस और भी बहुत सारी। तो मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट की और सवाल है कि क्या भारत बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला थर्ड ODI जीतेगा। तो मैंने यस सिलेक्ट करके पैसे इन्वेस्ट किए और क्योंकि मैं श्योर हूँ तो नीचे दी गई क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज करके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और ओपिनियन सबमिट किया। अगर भारत जीती तो मैं जीतूंगा रियल कैश और वो भी आराम से विथड्रॉ कर सकता हूँ गूगल पे, पेटीएम, UPI और कार्ड की मदद से। यही नहीं, आप मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर ट्रेड करके इंस्टेंट पैसे कमा सकते हो। प्रोबो पर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ओपिनियन देकर लाखों रुपए तक अर्न किए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और 25 रुपीज तक का वेलकम बोनस पाइए। प्रोबो पर ओपिनियन दीजिए और प्रॉफिट कमाइए। दोस्तों ये फ्यूचर प्लान है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में रहने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का, जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति को गर्व से दिखाने के लिए अपना बहुत सारा पैसा लगाने
देखने के लिए उत्साहित हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि क्षत्रिय देवा घटोत्कच बॉलीवुड की ब्रह्मास्त्र और आदि पुरुष से लाख गुना बेहतर है और फ्यूचर में आने वाली मूवीज भी बॉलीवुड की मूवीज से हजार गुना बेहतर होने वाली है, जिनमें हिंदू सुपर हीरोज को और ज्यादा बेहतरीन दिखाने के लिए CGI और VFX का और बेहतर तरीके से यूज किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्षत्रिय देव घटोत्कच की स्टोरी लाइन पर कि कैसे एक मुस्लिम देश के प्रोड्यूसर और राइटर्स ने कि कैसे महाभारत के युद्ध को एक सेंसिबल तरीके से मॉडर्न टाइम के साथ लिंक किया है। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके माथे की मणि निकाली और इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होकर दर दर फटकते रहने का श्राप दिया था, जिसके कारण आज भी अश्वत्थामा अपने निर्बल शरीर के साथ फटक रहा है, जिसको देखे जाने की बहुत सारी कहानियां हैं। तो क्षत्रिय देवा घटोत्कच मूवी भी अश्वत्थामा और उसके माथे से निकाली गई मणि पर आधारित है। ये अमूल्य मणि अश्वत्थामा की दैत्य दानों शस्त्र और देवताओं से रक्षा करती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो दोस्तों क्षत्रिय देव घटोत्कच मूवी में अश्वत्थामा की ये अमूल्य मणि आज के मॉडर्न टाइम में मौजूद पांडवों के वंशजों के पास है और इंडोनेशिया में मौजूद कौरवों के वंशज अश्वत्थामा को दोबारा से शक्ति प्रदान करने के लिए पांडवों के वंशजों से ये मणि छीनने का उद्देश्य रखते हैं, जिसके कारण कौरव अश्वत्थामा को शक्तिशाली बनाकर महाभारत युद्ध में मारे गए अपने पूर्वज कौरवों का बदला ले सके और पूरी दुनिया में दोबारा से राज कर सके। तो यहाँ से आप सोचिए कि कितनी सेंसिबल और यूनिक स्टोरी है, जिस पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है कि मॉडर्न टाइम में कैसे अश्वत्थामा के कारण महाभारत का युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों इस मूवी को सुपर हीरोज मूवी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें मणि की रक्षा करने के लिए पांडवों के वंशज की तरफ से एक सुपर हीरो या फिर कहले योद्धा होता है, जिसका नाम युद्ध होता है, जिसमें भीम के पुत्र घटोत्कच की शक्तियां मौजूद होती है। तो नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को देख सकते हो, जो इंग्लिश और इंडोनेशियन में मौजूद है। फ्यूचर में आने वाले इस मूवी के नेक्स्ट 7 पार्ट्स में हिंदी होने की आशा है, जिनमें आपको CGI और VFX और भी एडवांस लेवल का देखने को मिलेगा। पर दोस्तों इस मूवी का CGI भी काफी ज्यादा बेहतर है बॉलीवुड की ब्रह्मास्त्र और आदि पुरुष से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।